कर्नाटका के तुमकुर जिले का पावागढ़ तालुका एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। पिछले 6 दशक से यहाँ 54 बार सूखा पड़ा है, इसलिए धूप यहाँ के लोगों को सुहाती नहीं है। पर अब चिलचिलाती धूप के प्रति भी यहाँ के लोगों का नजरिया बदलने लगा है। यह यहाँ सौर पार्क लगने का हासिल है। अब वही सूरज की निष्ठुर किरणें इन किसानों को किसी उपहार जैसी लगती है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से इलाके में कई सकारात्मक परिवर्तन दिख रहे हैं। वे लोग जिनके पास आधा से लेकर 1 एकड़ तक जमीन है, उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। पावागढ़ सोलर पार्क 13,000 एकड़ में फैला हुआ है, यानी यह पार्क ताजमहल परिसर से करीब 300 गुना अधिक बड़ा है। पार्क को बनाने के लिए किसानों से जमीन खरीदी नहीं गई, बल्कि 28 साल के लिए किराए पे ले ली गई। पहले 5 साल के लिए 21,000 रुपए प्रति एकड़ साल का किराया तय किया गया। शर्तों के मुताबिक हर 2 साल में किराया 5% बढ़ा दिया जाएगा। Almost 80% of the land, इलाके में लगभग 80% जमीन का मालिकाना हक अमीर किसानों के हाथ में है और संयोगवश ये किसान ऊंची जाति के हैं। फिर आप देखेंगे कि कुछ छोटे किसान हैं जिनके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है। मोटे तौर पर भूमिहीन लोग दलित समाज से वास्ता रखते हैं। उनका मुख्य काम अमीर किसानों के खेतों में मजदूरी का काम करना था, साथ ही भेड़ और बकरियां पालकर भी इनका घर चलता था। सोलर प्लांट लगने के बाद चराई की पूरी जमीन इन लोगों की पहुंच से दूर हो गई। अब हमारे पास चरवाही के लिए कोई स्थान नहीं बचा है। मवेशी चराने के लिए अब बहुत दूर जाना पड़ता है। मैं गांव के बहुत सारे लोगों से मिली, इसमें महिला चरवाहे भी शामिल थे। सभी दलित समाज से थे। उन्होंने बताया कि कई लोगों को अपनी भेड़ बकरियां बेचनी पड़ गईं। मैं कई ऐसे लोगों से मिली जो अपने भेड़ बकरियों के साथ आसपास के इलाकों में पलायन कर रहे हैं ताकि वे उनका पेट भर सकें। कुछ कंपनियां चरवाहों को अपने संयंत्र में भेड़ बकरियों के साथ घुसने की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन महिला चरवाहों को अब भी घुसने की आजादी नहीं है। हम अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं जैसे जीवाश्म ईंधन के क्षेत्र में बढ़े थे। तब भी लोगों को उनके संसाधनों से दूर कर दिया गया था। इसमें उन लोगों को अधिक नुकसान हुआ जो पहले से ही जाति, वर्ग या जेंडर की वजह से हाशिए पर थे। संसाधनों से दूर रखकर उन्हें और पीछे धकेल दिया गया। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे बदलाव हमारे लिए एक मौका हो सकता है कि हम पुरानी गलती को न दोहराएं और इस पूरी प्रक्रिया को न्यायसंगत रखें। .75 एकड़ इतनी जमीन मैंने सोलर पार्क को दी थी। हर साल मुझे 2,80,000 से लेकर 3,00,000 रुपए तक मिलते हैं। मैं सोलर फार्म में मजदूर के तौर पर भी काम करता हूँ। इस काम में मुझे 400 से 500 रुपए तक की आमदनी होती है। मेरा बेटा सिक्योरिटी सुपरवाइजर के तौर पर प्लांट में काम करता है। उसे 14,500 रुपए मिलते थे। पता चला है कि अब उसकी पगार 18,000 के करीब हो गई है। हमारा जो भी थोड़ा बहुत फायदा हुआ है वह सोलर पार्क की वजह से ही हुआ है। हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। कर्नाटक सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर एन अमरनाथ कहते हैं कि पावागढ़ के ग्रामीणों के द्वारा ही 80% पद भरे गए हैं। इन ग्रामीणों को कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित भी किया गया, लेकिन कुछ स्थानीय लोगों का कहना है कि ज्यादातर तकनीकी नौकरियां बाहर से आए लोगों को मिली हैं, जबकि गांव वालों को दिहाड़ी वाले काम जैसे घास काटने और पैनल की सफाई का काम मिला। So in 13,000 acres, कंपनी के मुताबिक 13,000 एकड़ की जमीन के एवज में स्थानीय लोगों को 4,000 नौकरियां मिली हैं। इस स्थान पर किसान कभी 2 या 3 फसलें लिया करते थे।
एक साल की अवधि में एक एकड़ में 10 से 15 लोगों को रोजगार मिलता था। अब यह जमीन किसानों के हाथ से निकल गई है, तो 13,000 एकड़ में सिर्फ 4,000 लोगों को रोजगार मिलना एक चिंता का विषय है। जब आप जानते हैं कि आप किसी इलाके से जमीन ले रहे हैं और आप सच में लोगों को नौकरियां देना चाहते हैं, तो पहले 5 साल में भले ही आप स्थानीय लोगों को रोजगार न दे पाए, लेकिन अगर लंबे समय की योजना होती तो वे स्थानीय लोगों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करते। इससे पुरुष और महिला दोनों को बराबर मौका मिलता। For men and women, I made it a very inclusive industry. गांव में पैसा आने का एक और नुकसान आलस और शराबखोरी के रूप में दिख रहा है। People are becoming lazy, like लोग आलसी होते जा रहे हैं। सुबह वे 2 घंटे के लिए काम पर जाते हैं और शाम में 2 घंटे। उन्होंने अपनी जमीन भी दे दी है, वहां से भी उन्हें पैसा मिलता है। अब कई लोगों ने शराब पीना शुरू कर दिया है। पहले किसी पर्व त्योहार या खास मौकों पर ही 1-2 बार पी लेते थे। लोग अपने बैंक से पैसा निकालकर अपनी गाड़ियों के लिए पेट्रोल खरीदते हैं। उन्हें जो छोटे प्लॉट मिले थे उन पर वे पैसा खर्च कर मकान बना रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कमाई का दूसरा विकल्प नहीं है। उनकी जमीन तो पहले ही चली गई, वे कुछ कमाई नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के पास इतना पैसा आया कि वो उसको समुचित तरीके से खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी ही स्थिति जीवाश्म ईंधन वाले क्षेत्रों में भी हुई थी। Between places where there was fossil fuel and places where renewables is coming up.